हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सभी डिस्टिंक्शन टेस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें भी इनमें क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट पे डेफिनेटली मिलेगा। तो मैंने इस प्लेलिस्ट में डिस्टिंक्शन टेस्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें काफी सारे ऑलमोस्ट सारे डिस्टिंक्शन टेस्ट कवर करने वाली हूँ। तो अब हम आ चुके हैं लास्ट के डिस्टिंक्शन टेस्ट पे। बच्चों, लास्ट में हमारा आज का टेस्ट है एज़ो डाई टेस्ट, जो अमीन्स वाले चैप्टर में से है। एज़ो डाई टेस्ट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये टेस्ट सिर्फ ओनली फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिस्टिंग्विश करता है बाकी सबसे। एज़ो डाई टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी ज्यादा। एनिलीन को बाकी अमीन से डिस्टिंक्शन के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनिलीन एंड कोई और दे दिया जाएगा, तो आपको एनिलीन के लिए ये टेस्ट लगाना है। ये टेस्ट किस तरह से है, बहुत सिंपल टेस्ट है एज़ो डाई टेस्ट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसके रिएजेंट क्या है बच्चों, रिएजेंट में डाइल्यूट एचसीएल, HNO2, नाइट्रस एसिड एंड बीटा नेफ्थॉल, ये तीन चीजें हमें यहाँ रिक्वायर्ड होती हैं। ये रिएजेंट्स हैं इस चीज के प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बाय एज़ो डाई टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, अगर उसको लेते हैं, डाइल्यूट एचसीएल ऐड करते हैं, फिर उस मिक्सचर को हम ठंडा करते हैं 273 से 278 केल्विन पर, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है जिसपे इसको कूल करेंगे। आफ्टर दैट आइस कोल्ड HNO2 नाइट्रस एसिड जो ठंडा किया हुआ है उसको लेंगे, वो ऐड करेंगे, हम उस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल या जिसको 2-नेफ्थॉल कहते हैं वो ऐड करेंगे। तो आप सीक्वेंस समझ लीजिए, पहले डाइल्यूट एचसीएल डालते हैं, फिर कोल्ड करते हैं और उसके बाद में कोल्ड ही HNO2 ऐड करेंगे और कोल्ड ही बीटा नेफ्थॉल ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हमारे पास ऑरेंज और रेड डाई, ऑरेंज या रेड कलर की जो डाई है वो बनेगी, वो दिखाई देगी हमें। तो ये टेस्ट बच्चों होता है बहुत ही क्लियर, इजी टू डिस्टिंग्विश। अब इसका रिएक्शन किस तरह से होगा उसको डिस्कस करते हैं। ये था थ्योरेटिकल पार्ट, अब रिएक्शन पार्ट पे आ जाओ। तो बच्चों, हमने यहाँ पे लिया है एनिलीन। एनिलीन जो है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन है यहाँ पे और NH2 प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। अब HNO2 प्लस HCl एंड टेम्परेचर वी आर टेकिंग 273 से 278 केल्विन। अब बच्चों, इसके बाद में इस रिएक्शन में बनने वाला है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आप जानते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां बनेगा। वैसे भी ये जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी है पहले वाली, ये रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, सैंडमेयर रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप यही होता है। तो जब BDC फॉर्म हो जाएगा तो हम उसके बाद में बीटा नेफ्थॉल ऐड कर रहे हैं, दिस इज बीटा नेफ्थॉल, और उसके बाद में इसको अल्कलाइन रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अल्कलाइन रखना है इसको, इसलिए यहाँ पे डाइल्यूट NaOH की 1-2 ड्रॉप्स डालेंगे, सो दैट इसका pH 9-10 के आसपास मेंटेन हो जाए। उसके बाद में ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास जिसका नाम है फिनाइल एज़ो 2-नेफ्थॉल, जो ऑरेंज डाई या ऑरेंज कलर जिसको हम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी रिएक्शन हुई है इसमें जो कंपाउंड बना है वो ऑरेंज या रेड कलर देगा, डाई बनेगी, इस वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो आज बच्चों हमने पढ़ा है एज़ो डाई टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी चांसेस है इसके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं इस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए। थैंक यू। Let me pretty lights, look me in the face.